दिनांक 27 व 28 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल डिझेल चोरी संदर्भात वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त रेल्वे संरक्षण दल नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेट्रोल डिझेलची चोरी रोखण्यासाठी बोरखेडी स्टेशन यार्ड येथे घात घालण्यात आला. त्या संदर्भात 28 सप्टेंबर रोजी विनोद सुरेश पिंपळेकर वय 34 वर्षे कार मेकॅनिक याला BTPN एमटी रॅकमधून पेट्रोल व डिझेल चोरून वाहन क्रमांक MH40BC0625 मध्ये 5 नग पेट्रोल टाकत असताना पकडले. मात्र त्याचे इतर 2 साथीदार घटनास्थळावरून फरार झाले. आरोपीच्या चौकशीत त्याने हे डिझेल व पेट्रोल कृष्ण हजारे आणि देवेंद्र शेंडे यांच्या मदतीने चोरल्याची माहिती दिली व त्यांची चौकशी केली असता त्यांनीही चोरीतील आपला सहभाग मान्य केलाय आणि या प्रकरणात सहभागी असलेली चारचाकी कृष्ण हजारे यांची असल्याचेही सांगितले आहे आणि त्याचप्रमाणे देवेंद्र शेंडे यांनीही चोरीची कबुली दिली आहे. चोरट्यांना पेट्रोल डिझेल व चारचाकी जप्त करून अजनी पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. त्यासंदर्भात अजनीचे निरीक्षक श्री हरिमोहन निरंजन यांनी गुन्हा दाखल केलाय. सदर कारवाई विभागीय सुरक्षा आयुक्त रेल्वे संरक्षण बल नागपूर श्री आशुतोष पांडे व श्री सहाय्यक सुरक्षा आयुक्त रेल्वे संरक्षण बल नागपूर श्री कोटा जोजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. देखिए यहाँ पे बोरखेड़ी में ऑयल डिपो है जहाँ पे ऑयल टैंकर आते हैं. पिछले कुछ दिनों से हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो खाली टैंकर्स हैं, जो टैंकर खाली हो जाते हैं उसके बाद उनमें जो रेसिडुअल तेल रहता है 5 से 10 लीटर एक वैगन में रहता है उसको कुछ लोग चोरी करके और मार्केट में खुलेआम बेच रहे थे. तो इसके हमने एम्बुश चेक रखा था. कल हमारी जो क्राइम टीम है उसने रंगे हाथों 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. लगभग 170 लीटर तेल जब्त किया है जिसकी कीमत 17,000 के आसपास है और इसमें अभी रिसीवर्स जो ये तेल खरीदते थे इनकी गिरफ्तारी होना बाकी है. नहीं, जो इसमें आरोपी हैं इसमें 2 जो वहाँ पे पदस्थ रेलवे कर्मचारी हैं वो हैं जिनको पता रहता था कि कब रेक आ रहा है, कब जो है वो गुड्स वैगन जा रहा है वहाँ से. और एक जो है वो जो है वहाँ पे एक पास का मैकेनिक है जिस मैकेनिक की शॉप चलाता था और वो जो गाड़ियाँ मैकेनिक शॉप पे आती थी उनको ये तेल सप्लाई करता था चोरी का. जो भी जानकारी इसमें आती है आगे रिसीवर्स कौन कौन है उसके बेसिस पे इसमें अरेस्ट किए जाएंगे चाहे वो सिटी में हो या रेलवे के प्रतिनिधि के पास हो. वीकेबी न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े सह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी 365 गांधीनगर LAD कॉलेज स्क्वायर बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर.